कर्नाटक से बीजेपी सांसद आनंद कुमार हेगड़े ने यह कहा है कि इस्लाम आतंक का टाइम बम है। अपने बयान में कहा कि अगर दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए तो दुनिया से आतंक खत्म हो जाएगा। इस विवादित बयान के बाद बीजेपी सांसद के खिलाफ सीसी थाने में धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जेएनए मामले को लेकर तानातनी बढ़ते हुए देख केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून में कुछ बदलाव लाने की तैयारी की है। आपको बता दें कि देशद्रोह के मामले को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष दल के बीच मतभेद देखने मिल रहा है। इसके चलते धारा 124A की समीक्षा करने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। आपको बता दें कि देशद्रोह के मामले को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष दल के बीच मतभेद देखने मिल रहा है। आप विधायक ने आपके सभा में पीएम मोदी को गाली दी, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद जब उससे इस विषय को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इस आरोप को कबूला। एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार से पाक बौखलाया हुआ है। इस कड़ी में पाक के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी हताशा को खुलकर जाहिर किया है। जावेद द्वारा दिए गए इंटरव्यू को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। जावेद इस कदर बौखलाए थे कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा बल्कि सभी को आड़े हाथ ले लिया। उनके निशाने पर पूरी तरह रहे पाक के कप्तान शाहिद अफरीदी।